पट्टी साहब पिछले दिनों अखबारों भी खबर आई हैं और लोगों के भी चर्चा हैगी है कि बठिंडा तिहत्ती हल्के हमेशा सारिया पार्टियां वालों जो उम्मीदवार होंगे वह बाहरों ही भेजा जाता है तो थोड़ा भी कितना कितने इस तरह का कोई तुम्हें विरोध का सामना करना पाया या कोई चुनौती इस तरह की आई है सामने सारे हल्के कंप्लीट राउंड आ जोड़ा वो सारे पिंड लाया जी किसी भी जगह पर मैनू ये महसूस नहीं होया कि लोगों की कोई ये भावना हो कोई उम्मीदवार बाहरों है बेअदबी का जो मसला है उस दे विच भी पार्टी घिरी नज़र आती है तो इसनों किस तरह देखते हो एक भी पार्टी जी अज गल कर किसी पार्टी ने पार्लीमेंट के अंदर खड़े होकर उन्होंने कानूनों का विरोध किया रिकॉर्ड कढ़ के देख लो जे अकाली दल ये कोई गलती सी जिम्मेवार मानते सी तो की एक्शन किया उत्तर हूँ तक रविंदर कौर रोबी उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की हैगी है तो वो थानू लगता है कि थोड़े जे अनुकूल कोई परिस्थितियां बदलियां होन कोई हल्के दियां जेडे हल्के जिनी आवाज़ मेरे को आई है जिहड़ियां गल्लां सामने आईयां ने पांच साल वो लोगों के विचरी नहीं है केवल पांच साल जो सरकारी सहूलत उन्होंने मिल रही सी बतौर एम एल ए आनंद माणिया लोगों दी वोटा लैके पट्टी साहब जाते जाते जो सवाल है हल्के का है बठिंडा देहाती हल्के दियां समस्यावां तुसीं जिहड़ा है चोणां दे विच अपना मुद्दा बनाओगे जो भी बेसिक लोड़ां होणगियां हल्के दियां जो भी मुढ़लियां सहूलतां की घाट इत्थे रही है उन्हां नूं लागू कराउण लई पूरा करन लई असीं अपने वल्लों पूरी तनदेही दे नाल कम करांगे। सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो डी न्यूज़ पंजाब ते मैं सुखजिंदर रवाना। आपां जुड़े हुए हां प्रोग्राम नेता जी और कैमरा ते इस प्रोग्राम दे विच असीं वख-वख सियासी शख्सियतां नाल तुहानूं रूबरू करवाउने। अज साडे नाल हाज़र ने बठिंडा देहाती हल्के तों श्रोमणी अकाली दल बादल दे उम्मीदवार सरदार प्रकाश सिंह भट्टी साहब। भट्टी साहब बहुत बहुत स्वागत है जी डी न्यूज़ ते। मेहरबानी जी, मेहरबानी। दसो जिस तरह 2022 दे इलैक्शनां दा समां नेड़े ने आ रहा है उस तरह जिहड़ा है चुनावी माहौल है वह भख रहा है पर जिहड़ा वड्डा मसला है वह किसानी अंदोलन का तो वो करके हौली हौली जिहड़ियां पार्टियां भी आ भी देख देख जो कदम है वह बोझ बोझ कदम चक रही है पर नाल दी नाल जिहड़ी हैगी आ उम्मीदवारां ने अपनी कंपेन जिहड़ी हैगी आ वह चलाई हुई है तो बठिंडा दे अत्ती हल्के दे विचों सिर्फ इक्को पार्टी ने श्रोमणी अकाली दल बादल ने ही उम्मीदवार ऐलानिया भट्टी साहब नूं ते बाकी जिहड़े पार्टियां दे उम्मीदवार आ वह हजे कतारां दे विच ने। सो सब तो पहला वधाई दिंदे भट्टी साहब तुहानूं जिहड़ी टिकट मिली हैगी बठिंडा देहाती हल्के तों। हाँ, बहुत मेहरबानी, थैंक यू। और अज इस चैनल के जिन्हें दर्शक ने सारिआं नूं मेरे वल्लों सत श्री अकाल। भट्टी साहब पिछले दिनों अखबारों भी खबर आई हैं और लोगों के भी चर्चा हैगी है कि बठिंडा देहाती हल्के दे विच हमेशा सारिया पार्टियां वालों जो उम्मीदवार होंगे वह बाहरों ही भेजा जाता है तो थोड़ा भी कितना कितने इस तरह का कोई तुम्हें विरोध का सामना करना पाया या कोई चुनौती इस तरह की आई है सामने? नहीं, ऐसी कोई गल नहीं हैगी जी। मैनू लगभग पार्टी वालों ये सेवा दित्तियां नूं अज दो महीने तो ज़्यादा का वक्फा हो गया जी और मैं सारे हल्के कंप्लीट राउंड आ जोड़ा वो सारे पिंड लाया जी किसी भी जगह पर मैनू ये महसूस नहीं होया कि लोगों की कोई ये भावना हो कोई उम्मीदवार बाहरों है जी किसी एक तो भी क्वेश्चन रेज नहीं होया किसी ने मैनू कोई क्वेश्चन नहीं किया तो ना मैं उन्होंने ये भावना देखी उन्होंने दे कि वह महसूस करते हो कि उम्मीदवार बाहरों जी। भट्टी साहब एक जिवें किसान अंदोलन की मैं शुरुआत दे विच गल कीती हैगी आ ते जिहड़े कानून केंद्र सरकार ने पास किए हैं मोदी सरकार ने ते उस वक्त तुहाडी पार्टी जिहड़ी उह मोदी सरकार दे विच भाईवाल सीगी ते उस नूं लैके भी लोगों के काफ़ी विरोध है और नाल दी नाल बेअदबी का जिहड़ा मसला है उस दे विच भी तुहाडी पार्टी घिरी नज़र आउंदी है ते इसनूं किस तरह देखदे हो तुसीं? जिथों तक किसानी बिल्लां दा संबंध है जी, ठीक है, पार्टी मोदी साहब की सरकार की भाईवाल सी और जो ये कानून बन जा रहा सी जो इन्हे बन लगे कानून ये उस वेले भी
ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਬਟ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਫਰੇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਜੀ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਤਾ ਵੀ ਤੋੜਿਆ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਢਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ। ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਦੇਖੋ, ਰੋਸ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਬਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਤੱਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਉਹ, ਅਤੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਇਹ ਸਭ ਬਣਾਉਟੀ ਗੱਲਾਂ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਪਾਠ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰੰਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀ। ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਇਹਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦਾ ਉਹ ਆਪੇ ਭੁਗਤੂਗਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿੱਥੇ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੁਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਲਿਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਠਿੰਡਾ ਦਿਹਾਤੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕੋਟਪੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਟ ਬਦਲਣ ਦਾ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹਲਕੇ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕੋਟਪੱਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੇਵਲ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਆ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਵਿਚਰਿਆ, ਕੋਈ ਧੜੇਬੰਦੀ ਬਹੁਤੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਧੜੇਬੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਸੋਚ ਦਾ ਤਕਰਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੀ। ਜੀ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਆ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੋਬੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕੋਈ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋਣ ਕੋਈ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ? ਦੇਖੋ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੋਬੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦਿਹਾਤੀ ਹਲਕਾ ਤੋਂ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੀ,
17 च उहदा इलैक्शन होया, 22 आउण जा रहा, 5 साल का वक्फा उहदे कोले सीगा जी। जिन्ना कि मैं हल्के च विचरिया जां जिहड़े हल्के दे विचों जिन्नी आवाज़ मेरे कोले आई है, जिहड़ियां गल्लां सामने आईयां ने जी, 5 साल वह लोगों के विचरी नहीं हैगी जी। 5 साल किसी दुख सुख च सहाई नहीं हुई। चलो डिवेलपमेंट तो सरकार नहीं बनी, उहदे कोले इक गल सी, बट फिर भी जिहड़ा नुमाइंदा चुनिया होया उहदे कोले इक बहुत वड्डा प्लेटफॉर्म हुंदा असैंबली का, बिल्कुल उत्थे अपने हल्के की गल वो बड़े धड़ल्ले नाल रखी जा सकती है कि मेरे हल्के च ये कमी है, मेरे हल्के च आ काम आने वाले ने। वो सरकार की जिम्मेवारी बनती है काम करदा, चाहे वह MLA किसी भी पार्टी का बनिया, सरकार जिहड़ी बनती है पूरे पंजाब लई बनती। उन्हें कोई इदां दी गल नहीं की, हल्के की गल नहीं की, लोगों की गल नहीं की, लोगों के विचरी नहीं। केवल 5 साल जो सरकारी सहूलत उन्होंने मिलदियां सी बतौर MLA उहदा आनंद माणिया लोगों दीआं वोटां लैके, तो लोगों के विचरी नहीं। सो मैं समझदा ये देहाती हल्के दे लोगों नाल आम आदमी पार्टी दी उस विधायकां ने बहुत वड्डा धोखा कीता, अज मौके ते आके पार्टी छड्ड के दूजी पार्टी चली गई जी। जी पट्टी साहब, जिहड़ी तुहाडी पार्टी है श्रोमणी अकाली दल, पिंडां दी पार्टी है, पिंडां दे लोकां दे नाल जुड़ी हुई है, किसानां जां मजदूरां दे नाल, ते हुण किते ना किते पिंडां दे विच विरोध भी हो रहा तुहाडी पार्टी दा, उही जिहड़ा पिछला सवाल सी उहदे नाल ही मैं कर रहा, ते उहनां दे लोकां नूं हुण किवें किन्नी कि चुनौती है नाल जोड़न दी। देखो जिथों तक विरोध दी गल है जी, विरोध कोई बहुता लंबा चौड़ा नहीं। वेखो ये जो एजीटेशन चलती है जां कोई इदां दा थोड़ा मोटा रोस आउंदा, कुछ गल्लां सामने आउंदियां जी, बट उहदे नाल ही श्रोमणी अकाली दल ने हमेशा किसान पक्षी अपनी सोच रखी है। अज तां जथेबंदियां दे चलो एजीटेशन चल रही है, वह क्वेश्चन कर रही ने, पर श्रोमणी अकाली दल जदों जदों सत्ता च आया इसने किसानी पक्षी बहुत वड्डे फैसले लए जी, ये किसान भी जानते हैं। सो ये जिहड़ा विरोध है, हुण दूसरियां पार्टियां सही महीने दे विच, मैं पहलां भी बेनती की है कि इस कानूनां दी आड़ दे विच अपनी राजनीति करना चाहुंदे जी। जिथे विरोध हो रहे ने, जदों बंदे आइडेंटीफाई हुंदे ने, वो गल्लां कुछ होर मोड़ लै लैंदियां ने, ज़्यादा नहीं कहा जा सकना, बट किसानी दे नाँ ते दूसरियां पार्टियां अपनी सियासत करन दी ताक च बैठियां। तो किसानी की तुसीं गल कीती है, तो किसान अंदोलन जिहड़ा पिछले एक साल हो चुके उहनूं काफ़ी उहदा जिहड़ा हैगा की प्रभाव तुहानूं लगदा कि आने वाली चोणां दे उपर पवेगा जी, ते नाल दी नाल किसान अंदोलन का कोई हल निकलदी तुहानूं जापदा कोई उम्मीद है? देखो जिथों तक प्रभाव की गल है जी, नो डाउट के वड्डा वर्ग है किसान वर्ग जी, वह अपनियां मंगां लई बैठा होया। श्रोमणी अकाली दल उन्हां मंगां दा हमेशा समर्थन करदा रहा जी। ये वक्री गल है कि पोलीटिकल पार्टियां उस स्टेज तो गल करन दा मौका नहीं दिता गया, चलो ये जथेबंदियां दा अपना फैसला, ये नहीं कुछ होना जी, बट अकाली दल हमेशा इस पक्ष रहा कि किसानी है जिहड़ी वह तकड़ी होवे तां देश दा और पंजाब दा भला हो सकदा जी। जिथों तक प्रभाव की गल है, वो आने वाले समय च इलैक्शन नेड़े आ गया, कोशिश की जा रही है कि इन्हां दा कोई हल निकल जाए जी। जे हुण हल सेंटर दी सरकार जानबुझ के इहदा नहीं करदी जां इहनूं लंबा करदी है जी, तां सही महीनियां दे विच हर चीज़ की जिम्मेवार सेंटर दी सरकार है, किसानी नूं बर्बाद करन दी भी जी, और किसानां दे नाल बहुत वड्डा धोखा करदी जी। पट्टी साहब, जांदे जांदे जिहड़ा सवाल हैगा वो हल्के दा हैगा, बठिंडा देहाती हल्के दीआं किहड़ियां समस्यावां नूं तुसीं जिहड़ा हैगा चोणां दे विच अपना मुद्दा बणाओगे जी? मैनूं जिहड़ी सेवा मिली है थोड़ा चिर पहलां, 2 महीने दा वक्फा होया, मैं पहलां भी जिक्र कीता है जी, मैं सारे हल्के नूं देख रहा कित्थे की कुछ करन दी लोड़ है, जां पिछली सरकार दे विच जिहड़े मौजूदा 5 साल दा राज भाग सी कुछ नहीं होया इहदे च जी, जो भी बेसिक लोड़ां होणगियां हल्के दीआं जी, जो भी मुढ़लियां सहूलतां दी घाट इत्थे रही है उहनां नूं लागू कराउण लई पूरा करन लई असीं अपने वल्लों पूरी तनदेही दे नाल कम करांगे जी। पट्टी साहब, साडे वल्लों डी न्यूज़ चैनल दे सारे परिवार वल्लों तुहानूं बहुत बहुत शुभकामनावां जी। थैंक यू। दर्शको, तुसीं देख रहे सी प्रोग्राम नेता जी ऑन कैमरा, और साडे नाल हाजिर सन सरदार प्रकाश सिंह भट्टी, बठिंडा देहाती तो उम्मीदवार ने श्रोमणी अकाली दल बादल दे। सो अज की यह वीडियो तुहानूं किस तरह लगी, अपने कमेंट अपनी कीमती राय जरूर दिओ, और इस वीडियो नूं वध तों वध शेयर जरूर करो। बहुत बहुत शुक्रिया।